देखिए दोस्तों, मैं भी हाल फिलहाल में एक इंस्टाग्राम पे देख रहा था तो एक नई चीज मेरे सामने आई। एक इंस्टाग्राम पे एक व्यक्ति हैं जो कि बीमारी को ऐसे बताते हैं कि इसको ऐसे करना है, इसको 100% गारंटी है। जिनको काला पीलिया हो गया, यानी कि हेपाटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो गया, इसके लिए एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 200 ग्राम अंबा हल्दी, 100 ग्राम बेकिंग सोडा और 10 ग्राम काली मिर्च लेना है। तीनों को मिलाकर पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए अच्छे से। बर्तन में डाल लेना इस पाउडर को किसी। 3 ग्राम सुबह खाना खाने से पहले खाली पेट लेना है और 3 ग्राम शाम को लेना है, दोनों टाइम लेना है पानी के साथ। 10 दिन के भीतर काला पीलिया से आपको आराम मिल जाएगा। शुगर बिल्कुल ठीक हो जाएगी, शुगर जड़ से ठीक हो जाएगी, आपको ये लेना है ये जो लेना लोग है, वो शुगर उसमें का कुछ चीजें मेडिसिन बताते लेता हैं, है मतलब बड़ी जो बड़ी होम बीमारियों रेमेडीज में टाइप की भूल होती जाता हैं या है, कुछ जड़ी बूटी क्योंकि टाइप उसे की होती शुगर हैं, कंट्रोल नहीं वो होता। व्यक्ति उसमें ऐसे बताता है कि पेशेंट को, जो देखने वाला व्यक्ति है उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि भाई ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ये वाली प्रॉब्लम तो इतनी भारी ही नहीं है। कि शुगर है तो भाई आपको केवल अमरूद के पत्ते चबा लेने हैं। वो नीचे कमेंट देखते हैं कि भाई बहुत दिन से पत्ते चबा रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, कि मेरी 700 शुगर चल रही थी। तो उस पेज पे मैंने जाके देखा तो उन्होंने पूरी बीमारियों के बारे में, जो बीमारियां हैं उनके बारे में उन्होंने सारी चीजें ऐसी बताई हुई हैं। उन्हीं में से एक बीमारी मेरे सामने आई, हेपेटाइटिस सी, और जिसको काला पीलिया बोलते हैं आम भाषा में, लीवर की एक बीमारी है और वायरस की वजह से होती है। वायरस लीवर पे अटैक करता है, उसकी वजह से बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है और लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है और सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। शुरू में असिम्टोमेटिक रहता है, बाद में जाके जब जांच वगैरह कराते हैं तो उसमें पता लगता है। और उन्होंने जो उसमें सिम्टम्स बताए हैं पेशेंट को, वो सारे सीवियरिटी वाले बताए हैं। तो इससे क्या होता है, पेशेंट डरता है। तो देखिए, मेरी जो हमेशा मेरी आपने ओपिनियन देखी होंगी कि मैं किसी भी पेशेंट को ओपिनियन ऐसी नहीं देता। कोई पेशेंट मेरे से बोलता है कि भाई हमें हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट देना है, हमारे जो वायरल लोड है वो इतना बड़ा हुआ है तो हमें मेडिसिन बता दीजिए, तो सबसे पहले मैं तो उनसे यही मना करता हूँ कि भाई आप ऐसे मेडिसिन मत लीजिए। आप सबसे बढ़िया ये है कि आप सबसे अच्छे गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपको एंटीवायरल मेडिसिन स्टार्ट करेंगे जिससे आपकी जो स्थिति है वो जल्दी कवर होगी, जिससे आपका लीवर डैमेज ना हो और आप लंबे समय तक स्वस्थ रहें। सीधी सी चीज मैं उनको ये बताता हूँ, क्योंकि मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ, चाहे तो मैं उनको मेडिसिन दे सकता हूँ, उनको उलझा सकता हूँ, ठीक हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि सीवियरिटी बहुत ज्यादा बढ़ी होती है। तो एंटीवायरल जो ट्रीटमेंट है बहुत बढ़िया काम करता है। अब ऐसा नहीं कि मैं सारे पेशेंटों को मना कर देता हूँ, कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो लीवर का ट्रीटमेंट लेके आते हैं, एलोपैथी दवाइयाँ खा के आते हैं, तो उनको तो मेडिसिन दी जाती है। तो यहाँ पे जो मेरे कहने का मतलब ये है कि शरीर के अंदर जब कोई सीवियर वायरल इन्फेक्शन होता है, पेशेंट के सिम्टम सीरियस होते हैं, सीवियरिटी वाले होते हैं, और पेशेंट को बहुत सारे वायरल लोड, उसकी अगर हम जांच कराते हैं तो बहुत सारे आते हैं, तो उसको एंटीवायरल मेडिसिन लेनी चाहिए। वो किट आती है, डॉक्टर्स किट देते हैं एलोपैथिक में, 3 महीने 6 महीने का कोर्स कीजिए, पेशेंट की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। क्योंकि देखिए, एक डॉक्टर का फर्ज ये होता है कि उसका पेशेंट ठीक होना चाहिए, अब वो किसी भी पैथी से ठीक हो। मेरा हमेशा मानना ये है कि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक हो, होम्योपैथी से ठीक हो, एलोपैथिक से, यूनानी से, कैसे भी करके आप ठीक हो, लेकिन ठीक होना बहुत मेन टारगेट है मेरा। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सब ट्रीटमेंट छोड़ के होम्योपैथी लेना शुरू कर दूं, कि बहुत बढ़िया है, हर साइंस की अपनी एक लिमिट होती है। तो यहाँ पे जो रील वाली बात आ रही है, जो सोशल मीडिया है, ये खतरनाक भी होता है, कुछ हद तक ये बेनिफिट भी होता है। बेनिफिट ये होता है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ नॉलेज ही मिलेगी, सही नॉलेज मिलेगी। अब खतरनाक ये इसलिए है, जो ये रील्स बनी है इस तरह वाली, कि भाई अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस सी है, काला पीलिया है, तो उसको ये लेना है ये लेना है, ये उससे ठीक हो जाएगा। भाई ठीक नहीं होगा। और इस रील को शेयर कर दीजिए, लोग ये भी बोलते हैं इस रील को शेयर करते हैं, लोग इतनी ज्यादा शेयर करते हैं रील्स को, तो लोगों के अंदर जो गलत चीजें हैं, जो गलत रील है, जो गलत इंफॉर्मेशन है, वो ही प्रोवाइड होती है, कोई फायदा नहीं लगता है। तो ये जो फर्जीवाड़े वाली रील होती हैं, आप इनको बिल्कुल विशेष ध्यान से देखिए, क्या भाई ये काम करेगी नहीं करेगी, तो आप इसका ध्यान जरूर रखें, क्योंकि आज के समय में आपको एडवाइस देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन सही एडवाइस देने वाले आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। मुझे नीचे जरूर कमेंट करना, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे जरूर कमेंट करना, क्या ये सही है या फिर गलत है। जो फेक इंफॉर्मेशन, फर्जी इंफॉर्मेशन, फर्जी थंबनेल जो होते हैं, क्या ये सही करते हैं पेशेंट को या उनको खराब करते हैं। बाकी आप इनके शेयर्स देखेंगे कि इतनी ज्यादा रील शेयर हैं तो पब्लिक पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है, उसका कोई बेनिफिट नहीं, केवल नुकसान ही नुकसान होते हैं।
जो बॉडी में इतना वायरल इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है, लीवर डैमेज हो रहा है, आप उनको जड़ी बूटी खा के या कोई होम रेमेडीज लेके कुछ हद तक उसको दबा सकते हैं, लेकिन वो शरीर से ऐसे नहीं जाएगा। तो ऐसी जो रील्स हैं इनको फैलाना बंद कीजिए, सही इन्फॉर्मेशन है आप केवल उसी को फैलाइए। तो केवल एक एजुकेशनल पर्पज से मैंने वीडियो बनाया जिससे आप सभी समझदार लोग बनिए, अपने ब्रेन को ओपन कीजिए, समझदारी दिखाइए, सही वीडियो को शेयर कीजिए, गलत इन्फॉर्मेशन को मत बनाइए ना ही उनको सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।